हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ये आपका मैड मिनी टेस्ट 4 है, जिसके अंदर हम GS2 का जो क्वेश्चन था वो डिस्कस करेंगे अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs और इनका इवॉल्विंग रिलेशनशिप। राइट, आपको पहले भी बता चुके हैं कौन से फ्री कोर्सेज और कौन से पेड कोर्सेज हैं। राइट, जो टेस्ट सीरीज़ का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्वेश्चंस डाले जाते हैं उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। प्लीज़ जाके क्वेश्चंस देखें, अपनी प्रैक्टिस करें। यू कैन ऑल्सो लुक एट वेरियस अदर कोर्सेज जो कि हम चला रहे हैं, राइट, सो एज टू बी एबल टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ वॉट एवर स्लीपी क्लासेस हैज टू ऑफर। नाउ लेट्स वेरी क्विकली लुक एट जो हमारा GS2 का क्वेश्चन था और उसका जो हमने आंसर जो प्रिपेयर किया। राइट, अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमें बोल रहा है एग्जामिन द इवॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs इन इंडिया। ठीक है, तो DPSPs, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है और किस तरह से इसकी एवोल्यूशन हुई है वो हमने एग्जामिन करना है। ठीक है, तो अब आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? आंसर के स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली पहले इंट्रोडक्शन डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी के अंदर हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स की क्या पोजिशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंडली हम देखेंगे क्या पोजिशन है DPSPs की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में और किस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉन्फ्लिक्चुअल किस तरह से देखा गया है और इसमें रोल क्या रहा है जुडिशरी एज वेल एज लेजिस्लेचर का, और एंड में आएगी आपकी कंक्लूजन। तो लेट्स वेरी क्विकली स्टार्ट विद दिस। इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं कि राइट्स जो थे इंडिया में उनको बहुत ही एक ब्रॉड तरीके से एनविसेज किया गया, कीपिंग इन माइंड इंडिया की जो उस टाइम पे स्थिति थी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड जिस तरह की उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थी और जिस तरह के वो गोल्स एनविसेज करते थे, राइट, जो कि हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन थे। तो अब जो फंडामेंटल राइट्स थे जो कि इसेंशियली सिविल पोलिटिकल सोशल भी हैं, उसमें कुछ वो राइट्स थे बट बेसिकली ज्यादा वो सिविल और पोलिटिकल राइट्स है जिनको पार्ट 3 में डाला गया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल्स 14 to 32। ये जो राइट्स जो इसके अंदर कंटेन थे, राइट, ये माने गए थे कि ये एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड हैप्पीनेस और इसीलिए इनको जो है फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया गया। मोरओवर ये जो राइट्स थे ये इनफोर्सिएबल बनाए गए विद द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, जिसको अकॉर्ड किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड देम। राइट, तो जैसे जो आपका आर्टिकल 32 है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसको उसमें ये सेफ गार्डिंग का दिया गया, साथ ही में आपको जो थी वो रिट्स प्रोवाइड की गई जो कि आपके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स, राइट, उनके अगर उल्लंघन करने का कोशिश करता यू ऑलवेज हैड रिकोर्स टू दीज रिट्स जो कि आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते थे। अनदर ग्रुप ऑफ राइट्स थे जो कि सोशियो और इकोनॉमिक राइट्स थे, इनको कहां पे इंश्राइन किया गया? इनको इंश्राइन किया गया पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड इवन दो ये नॉन जस्टिसिएबल थे, राइट, इनमें बोला गया, राइट, इनमें मॉरल एंड पॉलिटिकल पॉपुलर फोर्स का एक ये दिया गया जिसके कारण जो है गवर्नमेंट जो थी स्ट्राइव करती थी इनको फुलफिल करने के लिए। बी आर अंबेडकर ने बोला था कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से हटके अगर हमको एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनानी है तो ऐसी एक डेमोक्रेसी बनाने में जो पॉलिटिकल है, सोशल है एज वेल एज इकोनॉमिक है, उसके अंदर दोनों ही फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज DPSPs एक क्रूशियल रोल जो है प्ले करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, राइट, तो अब इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल फ्रीडम को कंबाइन किसके साथ करने की कोशिश की, सोशल वेलफेयर के साथ। ठीक है, और एक एक क्यूरियस डेवलपमेंट हुई इन द रिलेशनशिप कि क्या एक दूसरे के साथ कौन सा प्रिडोमिनेंट है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो था वो इनिशियली काफी रिलक्टेंट था टू गिव एनी वैल्यू टू द DPSPs विज़वी योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एंड इस सिचुएशन से कंपेल होके जहां पे जुडिशरी जो थी एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड अपना रही थी, आपकी जो पार्लियामेंट थी सक्सेसिव अमेंडमेंट्स लाई ताकि जो था ये गोल ऑफ वेलफेयरिज्म जो कि DPSPs के अंदर इम्बाइब होता था वो आगे बढ़ सके। इसके कारण क्या हुआ, एक अनप्लेसेंट सिचुएशन अराइज हो गई जिसके कारण एक टसल हो गया लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। ऑफ लेट हाउएवर जुडिशरी जो है उठ गई है टू द रियलिटी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड हैज इंटरप्रेटेड बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs एंड एज इंटीग्रेटेड वंस। तो अभी एवोल्यूशन कैसी हुई है, जो अब का ये जो इनिशियल फेज था 50 से लेके 66 तक, राइट, तब एम्फेसिस क्या था, ऑन द सैक्रोसैंक्ट नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स सेक्रेड है, एनफोर्सिएबल माने गए हैं। और चंपकम तोराई रंजन जो केस है 51 का, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कभी अराइज हो बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs तो फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल ओवर द लैटर। इससे कॉम्बैट करने के लिए
जो आपकी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने फर्स्ट फोर्थ एंड 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किए ताकि जो वो गोल्स है डीपीएसपीज के उनको इंप्लीमेंट कर सके। 1967 में एक चेंज आता है जहां पे गोलकनाथ जजमेंट आती है, जहां जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, एक रेडिकल टर्न लिया एंड एम्फसाइज किया कि जो फंडामेंटल राइट्स है पार्लियामेंट उसको अमेंड तक नहीं कर सकती, राइट? क्यों? क्योंकि आपने जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फंडामेंटल राइट्स को एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन दी है, राइट? टू कॉम्बैट दिस स्टांस टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू पास द 24th एंड द 25th अमेंडमेंट एक्ट्स, राइट? जो आपकी 24th अमेंडमेंट एक्ट थी वो क्या बोलती है, उसने क्लियर कर दिया कि जो पार्लियामेंट है वो उसके पास पावर है टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। साथ ही में जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी उसने इंट्रोड्यूस कर दिया आर्टिकल 31C, जिसने बोला कि फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 39B and C, राइट, विच डील विद द आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी डीपीएसपीज के अंदर अगर एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है विद फंडामेंटल राइट्स, दैट लॉ शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द कोर्ट। केशवानंद भारती केस में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस स्टैंड लिया और उन्होंने गोलकनाथ केस जो है ओवर रूल कर दिया, बट उन्होंने बोला कोर्ट के पास पावर है टू रिव्यू द केस ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू डीपीएसपीज अंडर 39B and C। और एक क्रूशियल इंप्लीकेशन इसके साथ जो आई थी वॉज योर बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि पार्लियामेंट जो थी ऑल्टर नहीं कर सकती थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है उन्होंने एक पोजीशन दे दी ऑफ लीगल प्राइमेसी एंड सुप्रीमेसी टू द डीपीएसपीज ओवर फंडामेंटल राइट्स, राइट, जो कि कन्फर किए गए थे इन आर्टिकल 14, 19 and 31। तो यहां पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि जितने डीपीएसपीज है सबके सबको आप एक लीगल प्राइमेसी दे दो। However, ये जो एक्सटेंशन थी ये सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दी इन मिनर्वा मिल्स केस। However, मिनर्वा मिल्स केस में पहली बार जुडिशरी ने एक बैलेंस व्यू लेते हुए एक टाइप ऑफ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने मिनर्वा मिल्स केस के अंदर स्टेट किया दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन पार्ट्स 3 and 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू one over the other is to disturb the harmony of the constitution. This harmony and balance between fundamental rights and DPSPs is an essential feature of the basic structure of the constitution. So, abhi jo harmonious doctrine hai, ek harmonious relationship between DPSP and fundamental rights, is harmonious relationship ko basic structure ka jo hai part karar diya gaya hai by the Supreme Court. Right? Bandhua Mukti Morcha case jab aaya, अब इस टाइम के बाद पे जो जुडिशरी थी इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कंजर्वेटिव एंड लीगलिस्टिक अथॉरिटी, अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज जो कि डीपीएसपीज एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं उसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव लेते हुए ये बोला कि ये डीपीएसपीज की इंप्लीमेंटेशन आर एक्चुअली प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल, राइट? और ये ही जो आइडिया है इसने ये जो इंटर रिलेशनशिप डॉक्ट्रिन है उसको फर्दर पुश कर दिया है, राइट? और अब क्या जुडिशियल स्ट्रेटजी है, टू एक्चुअली रीड फंडामेंटल राइट्स अलोंग with directive principles, किस व्यू से, ताकि टू डिफाइन एंड स्कोप एंड फर्दर इंक्रीज द स्कोप ऑफ द फॉर्मर। अब जो स्टेट एंड गवर्नमेंट उन्होंने भी ट्राई किया है इंप्लीमेंट करना डीपीएसपीज को इन सिंक विद द फंडामेंटल राइट्स, राइट? जो आपकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है इट हैज ट्राइड टू फुलफिल द विजन ऑफ आर्टिकल 39A, साथ ही साथ में जो आपके 39 आर्टिकल 39 के अंदर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट, वेरियस अदर फॉर्म ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी की जो बात होती है, राइट, उनको भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। साथ ही में आर्टिकल 45 को जो है इट वॉज ब्रॉट टू लाइफ विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर 86th अमेंडमेंट जो कि आरटी 2002 में आई, विच प्रोवाइडेड फॉर योर राइट टू एजुकेशन, राइट? So now it has become necessary to look at the interrelationship between specific DPSPs and fundamental rights in active practice. The central theme hai DPSPs ki, that is with regard to human development and is related to the idea of the distributive justice, jo aim karta hai at the upward movement of the entire social system by making more people better off without making others worse off. Ye jo interrelationship hai between the two, that is fundamental rights and DPSPs, that results in greater freedom and autonomy to all people, reduction of disparity in access to resources and opportunities, and sustainability of environment as well. Right? So this was the answer. Please, aap bhi answer likhe and discuss and post it in the comments as well. Right? Thank you and see you in the next lecture.